आगे। 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 and 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 welcome to One Central. host host Nazish I'm I'm pretty Ali. <laughs> तो, 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 <laughs> Ali I I I think think Yeah am your host Ali. And I'm your host, Nazish. <laughs> I think we got it right <laughs> Okay good good. step आज लेकिन हम पहले शुरू करना चाहते हैं एक बहुत जरूरी मैसेज के साथ हमारे सारे पाकिस्तानी

अबाव अजदाद थे हमारे फाउंडिंग फादर्स भी जो थे क्याजाज मोहम्मद जिन्हा ने भी यही सोचा था कि पाकिस्तान की बुनियाद क्या रहेगी बिल्कुल इतिहाद तंजीम और यकीन मौकम राइट बिल्कुल अब सबसे जरूरी है यूनिटी फेथ डिसिप्लिन सबसे जरूरी है हमारे लिए एंड अगर हम एज ए नेशन अगर हम एक साथ मिलकर नहीं आगे चलेंगे और भाई भाई को मारेंगे तो भाईचारा कहाँ से पड़े बिल्कुल आई मीन अल्लाह ने इंसानों को बनाया और इंसान इंसान को मारे और फिर कहते हैं कि जन्नत में हम घर बना रहे हैं

एज अल्क एज ए कंट्री प्लीज़ जो सारे बेगुनाह वहाँ पर मर रहे हैं उनके लिए दुआ कीजिए एंड आगे चलते हुए कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि कि पाकिस्तान को बेहतर करें एंड आई नो कि हम लोग यही हम सोचते हैं कि गवर्नमेंट का मसला है और हमारा मसला नहीं है लेकिन अगर हम सब भी अगर कोशिश करें बिल्कुल फौज एक से शुरू होती बिल्कुल बिल्कुल नो you know, कतरा कतरा दरिया बनता बिल्कुल, है, बिल्कुल, है। बिल्कुल। नहीं बिल्कुल बिल्कुल और मुसलमानों को सोचना चाहिए कि अपनी सोच खुशादा करें और जहालत के अंधेरों से निकलें और स्पेशली यू नो अली अपने बच्चों को सही बातें सिखाएं यू you नो know, uh, मोहब्बत की यूनिटी की बिल्कुल यकजेती की बातें बिल्कुल ठीक बात है क्योंकि जो आप जो अब जो आगे जाने वाली नस्ल है उसी से ही तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनेगा और आई थिंक यही इसी में बेहतरी है कि हम लोग सब साथ मिलजुल कर प्यार से आगे बढ़े एंड पाकिस्तान को बेहतर मुल्क एंड एं बस हम दुआ ही कर सकते हैं दुआ करनी, करनी चाहिए आज। बिल्कुल। आप भी sure, भी मुझे सिर्फ ऐसा है कि एक जमाने में हमारा मुल्क इतना खूबसूरत और इतना प्यारा मुल्क होता था लोग जो है ना मलेशिया से और मिडल ईस्ट से और Uh, यूरोप तक से जो है ना पढ़ने के लिए हमारी यूनिवर्सिटीज़ में आते थे दिकुण इतना ज़बरदस्त मुल्क होता था हमने कहाँ से कहाँ गंवा दी हमने जो असलाफ से मीराश पाई थी सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा यही है दिकुण। बस देखिए अब अब आई थिंक इन हमेशा लाइक फीनिक्स राइजेस फ्रॉम द एशेस भाई जब आगे बढ़ना चाहिए हमेशा आगे मुस्तकबिल का सोचना चाहिए तो इन हमारे अभी भी खूबसूरती बहुत है मुल्क में और खूबसूरत लोग भी हैं अच्छे लोग हैं बहुत है अच्छे लोग हैं तो आई थिंक एक दुआ की जाए एक दुआ करें बिल्कुल आगे चलते हैं सो so, <coughs> पिछले हफ्ते जो लोग दहशतगर्दी की वजह से जान बहाक हो गए अल्लाह ताला उनको जन्नत फिर फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र अता फरमाए आमीन आमीन ये मेरी नानी कहती हुई हमेशा अच्छा लेकिन हाँ आई थिंक इसी से आप एक तो uh, आपके पास एक कुछ कहानी है ना छोटी सी कहानी हाँ। है उससे वो इज़ कि जहाँ भी आप लोग हैं यू आर इन दर्ल्ड चाहे आप लोग कैनाडा में, में है अमेरिका में है पेरू में है जहाँ भी है इट डजेंट मैटर प्राउड पाकिस्तानी रहें uh, अपने मुल्क में फ़ख्र महसूस करें क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी कहानी है कि uh, एक दिन मैं एक कैब ले रहा था एक टैक्सी ले रहा था उसके अंदर एक जो कैब ड्राइवर था आई गो टेल कि वो उनका एक्सेंट जो है बिल्कुल लाहौर के पंजाब का है You know, and मैं खुद भी पंजाबी बोल लेता तो मुझे समझ जा था। पहले फोन पे बात कर रहे थे, थे फुल हाँ और हाँ वो हाँ गप लगा रहे थे फोन फोन पे और एकदम से जब उन्होंने रखा तो मैं पीछे बैठ के अखबार पढ़ा था टैक्सी में तो मैंने उनसे पूछा भाई जान आप कहाँ से Where you from? तो कहते, जी मैं बांग्लादेश से <laughs> अच्छा अच्छा मैंने उनको शीशे में ठीक है लेकिन चले कह रहे तो मान लेता मैंने यही कहा मेरे कहा कह तो मान लेता हूँ अब मैं वापस अखबार में चला गया थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा सर आप टीवी पे आते हैं मैंने कहा <laughs> जी तो कहा सर हम आपको देखते हैं लेकिन मैं माफी चाहता हूं मैं आपको पहले नहीं बताया कि मैं पाकिस्तान से हूं, आप तो समझ गए होंगे yeah. मैं जी मैं समझ गया लेकिन आपने ऐसा क्यों कहा yeah. तो कहते हैं सर दरअसल बात यह है कि यहाँ पे जब कोई इंडियन लोग होते हैं मैं उनको कहता था मैं इंडिया से हूँ बांग्लादेशी होते हैं मैं उनको मैं बांग्लादेश से हूँ कोई गोरे होते हैं तो मैं उनको कह देता हूँ यही था कि मैं उनको मैं बताते नहीं मैं कहता हूँ कि हाँ मैं हिंदुस्तान से हूँ yeah. या मैं कुछ भी और कह देता हूँ लेकिन मैं yeah. पाकिस्तान नहीं कहता क्योंकि मुझे बस थोड़ी शर्म आती है क्योंकि हमारा इमेज जो है वो लोगों के सामने खराब है लोग समझते हैं कि मैं टैक्सी उड़ा दूंगा <laughs> <laughs> अल्लाह तो माफ तो लेकिन तौबा I लगामिन mean, ऐसा होना नहीं चाहिए हाँ, you know, ऐसा आ, होना नहीं चाहिए दैट वी आर नॉट फीलिंग प्राउड ऑफ आवर बिल्कुल सो so, इसलिए प्लीज मुल्क में फخر लाइए اینڈ डू योर पार्ट बिल्कुल एंड आई थिंक यकजेती रखिए एंड आई थिंक इसी से आगे बढ़ते हैं बहुत हेवी बातें हो गई हैं बहुत हेवी भाई कुछ मार्च मैडनेस की बातें करें मार्च मैडनेस अली नेक्स्ट वीक मार्च मैडनेस ही होने वाली है हमारे घर आपके घर में काफी मैडनेस हो रही है मैडनेस होने वाली है। क्या हैं यस बिकॉज आप सबको पता है सब लोग प्रिपेयर कर रहे हैं छुट्टियां आ रही हैं स्प्रिंग के थोड़े से अफरात ah. नजर आ रहे हैं बहुत खुशी हो रही है yes, हो इस्ता, इस्ता। बर्फ गायब हो रही है और हमारे घर में यू नो अली आई हैव टू लिटिल किड्स अलीवन ईयर ओल्ड एंड अ फाइव ईयर ओल्ड तो हमने कुछ ज्यादा ही लेगो खरीद लिया है इतना ज्यादा लिया तो, है। है। हाँ, <laughs> no हाँ, तो हमारा यही प्लान है कि मार्च में हम lego हाँ, करेंगे लेगो बनाएंगे। है। ये एक दिन में ही lego से फारे हो गए हाँ। बोर हो गए बोर हो गए ठीक है आपको पता है बच्चों बच्चों के साथ यही होता है

चार साल की उम्र तक के बच्चे थे और आई रियली हैड अ वेरी गुड टाइम मुझे बहुत ही अच्छा लगा और उनका रिएक्शन जो बड़ा बेसिक होता है वो मुझे देख के बहुत अच्छा उन्होंने अच्छा आपके अंदर मासूमियत के दिए जलाए <laughs> इंस्पायर किया होगा उन्होंने ये इंस्पायर किया मुझे ऐसा लगा कि मेरे भी कुछ बच्चे होने चाहिए करना पड़ेगा देखिए वो हम जब वैसे ही आपको जब स्पीड डेटिंग में लेके जाएंगे फिर उसी से आगे स्पीड पे सिर्ण 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 आगे. <laughs> <laughs> और जैसे बात हो रही थी बच्चों के की, um, उसी से द यूथ इज सो इम्पोर्टेंट एंड हमारा जो यूथ है हमारे जो जवान है पाकिस्तान के वो सिर्फ और सिर्फ um, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी नहीं है बल्कि सारी दुनिया के लिए जरूरी नहीं फो राइट राइटली बिल्कुल सो आई थिंक इसी से हमारी जो नेक्स्ट गेस्ट हैं इनफैक्ट वो उनका भी ऑर्गेनाइजेशन यूथ से रिलेटेड है उनका काम भी यूथ से रिलेटेड है तो आई थिंक हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और फिर बुलाते हैं को